नाई सैंडल उतारू क्या? नाई ड्रेस उतार 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 तेरी बहन की आपको कैसे पता? क्या ये गाड़ी मेरी बहन की है? बहुत मजेदार इंसान आप। तेरी माँ की चप्पल आपको ये भी पता है? मेरी माँ की चप्पल है। तू पागल वागल क्या? बहुत मजेदार इंसान हो यार। गजब आदमी मिला यार। बेबी हाँ मेरा पेट दुख रहा है। कहाँ पर? यहाँ पर। अच्छा एक काम करो, लंबी सांस लो, अब छोड़ो। अरे यार आमिर भाई, वो तुम्हारा लौंडा जरा सा रहा पिल्ला साला, वो सिगरेट पी रहा, समझाते ना हो कैसे? इसकी माँ का पानदान बहनचोद। हेलो, क्यों भी मैंने सुना तू सिगरेट पी रहा खूब। अरे ना पापा, मैं तो ना पी रहा। झूठ बोलेगा, बीच में से फाड़ दूंगा साले। मेरे पास सबूत है सिगरेट पी रहा तू खूब। अरे पापा, वो धोखे से पी ली थी। वाह बहनचोद, तू यहाँ पे सिगरेट पी रहा खूब दबा के, और हम वीडियो पे जिंदा। अगर आपके सिगरेट की डिब्बी लगा मैं भी पीऊंगा। आज की जनरेशन में भाई ब्रो हो गए, मौसी मासी हो गई, चाचा चाचू हो गए, जीजा जीजू हो गए, पति हबी हो गए, लेकिन मजा ले किसी ने बीवी शब्द के संग छेड़खानी की हो। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सिडी नहीं करा कर दिया भाई, गैस सिलेंडर कह दो उन्हें। सब्सिडी नहीं होती। फास्ट फूड खैला से आदमी फास्ट ना होला, और ना स्मार्टफोन रखला से आदमी स्मार्ट होला। बाकी अगर लूज मोशन हो जा रहा ना तो आदमी लूज जरूर हो जा। सुनो आज घर पे जल्दी आ जाना, मम्मी आने वाली है। यार फालतू बातें मत करो, बहुत काम है। ठीक है, मम्मी के साथ साथ मैं बहन को भी मना कर देती हूँ। यार मैं तो भूल ही गया था, कार में तो पेट्रोल ही नहीं है। हमारी कार डीजल है। खत्म। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। बेबी हाँ, तुम मेरा साथ कब तक दोगे? जब तक तुम दोगी साथ। दोस्त मन करता है कि शहर के सारा दीवार पर तुम्हारा नाम लिखवा दे। अरे वाह दोस्त, लेकिन एक बात का डर है। कौन बात का? कहीं तो नाम पर कोई मूत कर चला जाए। लिखवा दे। अरे भाई इतनी सिक्योरिटी क्यों है? कोई हीरो आया क्या? हीरो हारो कुछ ना आया, पीछे को देख नींबू का पेड़ है। छी छी छी, हमारा अमेरिका होता ना पुलिस पकड़ लेती। क्या करे मैडम, यहाँ खुद ही पकड़ना पड़ता है। लड़की छेड़ रहा है, मैं तेरी के शरण में आती लड़की की वीडियो बनाता है। अबे चूती है, वीडियो बना रहा है मेरी। विदेश में जब घर बनेला तो में होला डाइनिंग हॉल, बेडरूम, किचन, स्टोर रूम, हमने की है घर में पापा वाला रूम, टीविया वाला रूम, बड़का घर, छोटका घर, कोनियावा घर। ए सुनो, आई लव यू। एक बार मुंह धो के दिखा दी ना, सारा आई लव यू निकल जाएगा तेरा। टेंथ के बाद कभी सोचा है क्या करोगे? क्या करोगे टेंथ के बाद? अब हम भी एक चाय का दुकान खोलेगा। चाय, बिस्कुट, लेमन, सोडा, सब पीजिएगा। भाई चूड़ा कितने का है? घरवाली खातर ले जाऊं? घरवाली यहीं छोड़ देना, फ्री दे दूंगा। कैसा लगा मेरा मजा? यार तू घर पे रहती है तो तू मुझे वीडियो कॉल क्यों नहीं करती है? यार शक्ल बहुत खराब लगती है। नहीं तेरी शक्ल तो बहुत अच्छी है। अच्छा तेरी बात कर रही हूँ। वैसे तुम्हारा निकनेम क्या है? निकनेम मतलब? मतलब जैसे मेरे दोस्त मुझे प्यार से सोनू कह के बुलाते हैं, वैसे तुम्हें भी तो कुछ कह के बुलाते होंगे। हाँ हाँ। क्या?
माधर ओके 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 मैं समझ गई, यही कहते हैं एक वो भी बोलते हैं भो ओके मैं ये सभी okay, बहुत सारा नाम मेरा कॉल आ रहा है, मैं जा रही हूँ, बाय। और एक और है गंड परे और कहता है मेरे को, वो बहुत प्यार से ज्यादातर लोग बोलते। अरे ओ लड़कियों, तुम हम लड़कों का दुख क्या समझोगी, हम दाढ़ी कटवा ले तो बच्चे लगते हैं और दाढ़ी बढ़ा ले तो दो बच्चों के पप्पा लगते हैं। अंकल थोड़ी सी तंबाकू मिलेंगी? कहाँ मिलेगी, आप ले लो। दे दो ना अंकल। ये लो। ये लेके जाऊ? हाँ जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं? कहीं दिक्कत है नहीं। हेलो गूगल, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ये दिल पे रखने वाला पत्थर कहाँ मिलेगा? तुम कभी कभी पागलों जैसी बात क्यों करते हो? पागलों जैसी बात मैं करता हूँ? अरे वो तो मैं इसलिए करता हूँ ताकि तुम्हें मायके वालों की कमी महसूस ना हो। एक्सक्यूज मी, इससे ब्रेकअप कर लो, 1,00,000 रुपए दूंगा। तू पागल वागल है क्या? चल निकल यहाँ से। भाई तू इससे ब्रेकअप कर ले, ये गाड़ी तेरी। चूतिया उतिया है क्या? तेरे को समझ में नहीं आता हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं? जल्दी निकल जा यहाँ से, है ना, दिखना मत अब। नेता और बीवी दोनों की एक जैसी आदत होती है, दोनों को हम बड़े शौक से चुनते हैं, बाद में ये हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। हाँ अब वक्त आ गया है इनसे युद्ध करने का। हाँ हम मैदान से पीछे नहीं हटेंगे। यार आज तू बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। थैंक यू। और मैंने नए कपड़े पहने, मैं कैसा लग रहा हूँ? फिर भी तो चूतिया का चूतिया लग रहा है। दारू तू पीवा, बीड़ी तू पीवा, सिगरेट तू पीवा, गुटखा तू खावा, की अपना है तेरी में। अरे हम चिल करे क्योंकि हमारा दिल करे। जो भी उड़ा रहे अपना बाप का उड़ा रहे, तेरा बाप कौन सा हमारा बिल भरे। इस साल कुछ खास हो जाए, तुम्हारी मम्मी मेरी सास हो जाए। तुझे पता है अपनी पड़ोसन को ऑरेंज कलर बहुत पसंद है? मुझे पता है। तुझे कैसे पता? क्योंकि उसके पति को भी ऑरेंज कलर बहुत पसंद है। ऐसे ही कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं बन जाता, कमीनापन बराबरी का होना चाहिए। पहले मिर्ची पेड़ों में लगती थी और अब अब भी पेड़ों में लगे भाई, क्यों खामे का इतना दिमाग लगा रहे हो? और मेरी जान, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू थैंक यू। देख आज तो मेरा बर्थडे है, कहाँ है मेरा बर्थडे गिफ्ट? ऐसे कैसे भूल सकता हूँ मैं, वो देख रेड कलर की कार दिख रही है? हाँ हाँ दिख रही है। बस तो फिर उसी कलर की नेल पॉलिश लाया हूँ। सेम ऐसे लाल चमकती चमक जाएंगे, नेल ही नेल दिखेंगे सब जगह। मेरे पास दारू है, गुटखा है, बीमल है, सिगरेट है, तेरे पास क्या है? मेरे पास तेरे पापा का नंबर है, मिलाऊं बताऊं? ना भाई मत मिला, भाई, भाई, मत मिला, मत शांत काम से काम से ला, तो एक बीड़ी पी ले। हाँ बीड़ी पी ले यार, तू पापा का फोन मिला रहा, पापा मुझे तोड़े बोला फिर बढ़िया। Ayo
भाई के गले में सिक्का फंस गया है, प्लीज कोई हेल्प कर दो। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हाँ हाँ प्लीज आइए ना मेरे साथ, आइए इस तरफ यहाँ पे। थैंक यू, आपने मेरे भाई की जान बचा ली। क्या आप डॉक्टर हैं? नहीं मैडम, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं। पैसे कब और कैसे निकालने हैं ये हमें अच्छे से आता है। सासू माँ, मुझे तुम्हारी बेटी के साथ नहीं रहना है, मुझे उसे डाइवोर्स चाहिए। ओह नो। क्यों बेटा? तुम्हारी बेटी मुझे खुश नहीं रख पा रही है। बेटा तब तो प्रॉब्लम तुम में होगी, क्योंकि यहाँ तो सारा मोहल्ला उससे खुश रहता था। तो ठीक है, तुम वहाँ पे जाके आ जाना, ठीक है? ओके जी। यार तुम ये जी भी मत बुलाया करो। ओके चूतिए। जीजा सीधा चूतिए, चूतिया दिखूं मैं? तो ये लाइन मेरे सबसे प्यारे दोस्त के लिए के मेरे पैसे वापस कर दे साले, अब तो 6 महीने हो गए। क्या हुआ, उदास क्यों है? यार मैं 21 साल की हूँ और मुझे 12 साल के लड़के से प्यार हो गया है, तू बताना उसे कैसे इम्प्रेस करूँ? तू उसके घर जाके उसका होमवर्क कर। मैंने जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं की, बस एक बार गलती से दोस्तों को अपने बाप का नाम बता दिया। एक अंजाम के लौंडे। भाई आजकल की लड़कियों के स्टेटस तो देख, माई डैड इज माई रियल हीरो, ना हमारे पापा तो आतंकवादी हैं। हम अरेंज मैरिज वाले लोग हैं जनाब, हमारे हिस्से में किसी और का बाबू आएगा।